गोवा में बिग बॉस के लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने कंफर्म किया है कि वो संजय लीला भंसाली संग फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम ईशा अल्लाह बताया जा रहा है। चर्चा ये भी है कि इसमें सलमान के अपोजिट दीपिका पादुकोण होंगी। दरअसल बिग बॉस 12 के लॉन्च इवेंट में सलमान से भंसाली संग फिल्म करने पर सवाल किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, मैं संजय के साथ फिल्म कर रहा हूँ, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, अभी स्टोरी नहीं सुनी है, सिर्फ स्टोरी की लाइन सुनी है, लेकिन संजय मेरी कॉल्स का जवाब ही नहीं देते, प्लीज कोई उन्हें बोले कि मुझसे बात करें। इंशा अल्लाह सलमान और संजय लीला भंसाली का साथ में चौथा प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले भी खामोशी, द म्यूजिकल, हम दिल दे चुके सनम, सांवरिया में साथ काम कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भंसाली दीपिका और सलमान को कास्ट करना चाहते हैं। दीपिका के साथ भंसाली 3 फिल्में कर चुके हैं, इनमें विली एक्ट्रेस थी। सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। वैसे भी दीपिका सलमान की ऑन स्क्रीन पेयरिंग आज तक नहीं हो पाई है। कई बार उनके साथ में काम करने की चर्चा हुई, लेकिन कभी बात आगे नहीं बढ़ पाई। सलमान ने हाल ही में माल्टा में अली अब्बास जफर की फिल्म भारत की शूटिंग खत्म की है। ये कोरियन फिल्म नोट टू माई फादर का ऑफिशियल रीमेक है। इसमें सलमान के अलावा कटरीना कैफ, नोरा फतेही, सुनील ग्रोवर, दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में हैं। मूवी अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी।